हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। माय सेल्फ सरबजीत सिंह, पीजीटी इन मैथमेटिक्स। नाउ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू और कंक्लूड भी कह सकते हैं कि अब हम ये लीनियर इनइक्वालिटीज को खत्म करेंगे। तो आज इसका एक मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी रहेगी थी, लीनियर इनइक्वालिटीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम करेंगे इसकी लीनियर इनइक्वालिटीज की थर्ड क्लास, जो कि फाइनल क्लास है। आज इसको कंक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे आज हम उसको। तो इससे पहले जो भी हमारी दो क्लासेस थी, आपने अच्छे से उसको रिव्यू किया होगा, अच्छे से देखा होगा। सो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास, आज हमारी जो लास्ट एंड फाइनल क्लास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज हम इसको अच्छे से इसको मतलब इस एक्सरसाइज, जो भी इसमें डाउट्स वगैरह होंगे, जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो, वो देखिए मैं आपको इसमें कंप्लीट कर दूं। सो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, जो कि हमें दिया हुआ है। सॉल्व, हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स तक ये हमें दिया हुआ है। तो नाइन क्वेश्चन नंबर वन, देयर इज अ टू लेस देन 3x - 4 लेस देन इज इक्वल टू 5। अब देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सेंटर में ना, दैट विल बी ओनली एक्स, वो एक्स होना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ एक्स रहना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्स रखना है तो मुझे माइनस फोर को हटाना पड़ेगा। तो इजी वे है, प्लस फोर हमने इधर कर दिया, प्लस फोर हमने इधर कर दिया और प्लस फोर हमने इधर कर दिया। रूल के अकॉर्डिंगली मैं प्लस और माइनस दोनों तरफ कर सकता हूं। तो ये आ गया 6, ये रह गया 3x और ये आ गया 9। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, हर एक टर्म को 3 से डिवाइड इसको करा, इनको 3 से डिवाइड करा और हमने इनको भी 3 से डिवाइड कर दिया। तो वी गेट 2 देन एक्स और 3। तो जो मेरा मेन टारगेट था बीच में एक्स लाना, तो एक्स बिलोंग्स टू, अब जो एक्स जो है वो क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट में 2 और 3। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ वैल्यू 6 लेस देन -3 देन 2x - 4 और लेस देन, इसमें इक्वल टू नहीं दिया हुआ, लेस देन 12। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो -6x + 12 लेस देन 12, हमें यहां पर -12, मैं अब इसको -12 इधर कर रहा हूं, ठीक है जी, और -12 इधर करा हमने और सिमिलरली -12 इधर करा, ये आ गया हमारे पास -6, ये भी आ गया -6x और ये हमारे पास आ गया 0। अब देखो जब भी -1 से डिवाइड करो तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर मैं यहां पर -6 से डिवाइड करता हूं -6, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे -6 और ये भी साइन चेंज होगा -6। तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो आ गया 1, ठीक है नी, ग्रेटर देन, और ये बच गया एक्स ग्रेटर देन ये 0। एक्स बिलोंग्स टू, जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज क्या वैल्यू बनेगी, 0 और 1। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हाँ एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जब हमने इसको लिखा तो यहाँ पर जो वैल्यूज का जो साइन है यहाँ, ये हमारा राउंड में आएगा, तो ये राउंड में क्यों आएगा, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया हुआ, मतलब जो मेरा आंसर है वो एक्स का जो आंसर है वो 0-1 के बीच में लाई करेगा। गॉट इट, यस। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, -3 < = 4 -7x / 2 < = 18। सबसे पहले हमने इसका लेंगे एलसीएम, सो एलसीएम इज 2, 2 4 = 8 -7x < = 18। सबको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, सो दैट डिनोमिनेटर में 2 हट जाए। तो ये आ जाएगा -3 × 2, इसको भी 2 से इंटू करेंगे डिवाइड बाय 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये -6 < = 8 -7x = 36। अब मुझे यहां से 8 को हटाना है, तो हमने ये करा
माइनस सिक्स माइनस एट, एट माइनस एट, और यहां पर भी हमने कर दिया माइनस एट, तो ये हमारे पास आ गया माइनस फोर्टीन, दैट इज माइनस सेवन एक्स एंड दैट इज थर्टी नहीं सॉरी ट्वेंटी, कितना आ गया ये ट्वेंटी एट, माइनस ट्वेंटी एट। सो ये माइनस हमें हटाना है यहां से, तो माइनस से डिवाइड करेंगे, और मैंने आपको बताया था जब माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई करो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये आ गया माइनस सेवन एक्स बाय माइनस सेवन, ये भी साइन चेंज हो गया, ट्वेंटी एट बाय माइनस सेवन। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आया, यहां पर आ गया टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये आ गया एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस फोर, तो जो एक्स की वैल्यूज है वो हमारे पास क्या रहेगी माइनस फोर से लेकर टू। ठीक है जी बच्चों, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा थर्ड भी। इसी तरीके से हमारे पास और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, फोर फाइव सिक्स सब एक तरह के हैं। अब मैं आपको इसमें से जो आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो आप होमवर्क में ट्राई करो, इसको सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सिमिलर है, होमवर्क में ट्राई करो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ले चलता हूं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में सेवन लेस देन ये दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस इलेवन बाय टू लेस देन इज इक्वल टू इलेवन, तो वो भी देखा जाए तो ये भी सिमिलर ही है, टू से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया ये फोर्टीन, और जब ये टू से मल्टीप्लाई हो गया तो ये टू हट गया और ये हमारे पास आ गया ट्वेंटी टू, सिमिलर क्वेश्चन था ये भी। अब क्या करेंगे माइनस इलेवन, यहां से भी माइनस इलेवन करा, यहां पर भी माइनस इलेवन करा और यहां पर भी माइनस इलेवन करा, तो ये हमारे पास आ गया थ्री, ये आ गया थ्री एक्स और ये आ गया इलेवन, ठीक है ना इलेवन आएगा यस। तो अब थ्री से डिवाइड कर देंगे तो थ्री से ए भी डिवाइड हुआ, थ्री से ए भी डिवाइड हुआ और थ्री से ये भी डिवाइड हुआ, तो जो हमारे पास आंसर आ गया वन एक्स इलेवन बाय थ्री, तो जो x का आंसर होगा x बिलोंग टू वो आ गया वन से लेकर इलेवन बाय थ्री और ब्रैकेट जो होगी क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये वन टू सिक्स हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ये सब इसी तरीके से थे, तो बड़ा ध्यान रखना है जो नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो देन साइन विल बी रिवर्स, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेवन वी आर गिवन फाइव एक्स प्लस वन ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फोर, और यहां पर दिया हुआ है फाइव एक्स माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। अब इसको देखो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले वही कंसेप्ट फाइव एक्स इसको अलग अलग सॉल्व कर देंगे, आ गया माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वन, तो फाइव एक्स ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फाइव, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं फाइव एक्स लेस देन ये आ गया ट्वेंटी फाइव, एक्स लेस देन फाइव, तो जो हमारी वैल्यूज है ना वो कहते हैं फाइव से छोटी होनी चाहिए और माइनस फाइव से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर नंबर लाइन पे नहीं बोला जाएगा तो आप ऐसे छोड़ दोगे, अदरवाइज इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो यहां पर फाइव है हमारे पास और यहां पर ये माइनस फाइव है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसको राउंड देखो राउंड ब्रैकेट लेंगे अगर मतलब सर्कल लेंगे अगर ये इक्वल टू ना दिया जाए, और अगर इक्वल टू होता ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर मैं ये पॉइंट को मैं डार्क करता इस तरीके से, ठीक है। बट अभी जो है वो क्या है एक्स की वैल्यू माइनस फाइव से बड़ी होनी चाहिए और फाइव से छोटी होनी चाहिए, तो कौन सी वैल्यूज हमारी आएंगी इसमें, तो ये देखो जो हमें लाई करेगी वो वैल्यू लाई करेंगी ये वैल्यूज, तो हम इसको डार्क कर देंगे, तो ये हमारा आंसर, मतलब इसको आपने डार्क कर दिया, इसको हमने डार्क कर दिया, तो ये इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब ये हमने ग्राफ पर इसको दिखा दिया, तो कोई प्रॉब्लम ये हमारा आंसर होगा, ठीक है जी, ये ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एट है, अगर हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ देखें, टू एक्स माइनस वन विद इन ब्रैकेट में एक्स माइनस वन
टू विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन लेस देन एक्स प्लस फाइव, ये एक टर्म दी हुई है, और दूसरी जो टर्म है थ्री देन अगेन विद इन ब्रैकेट्स थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन टू माइनस एक्स। तो इसको जब हम बनाएंगे आगे टू एक्स माइनस टू लेस देन एक्स प्लस फाइव, एक्स को एक तरफ लेकर आते हैं लाइक टर्म्स को तो ये आ गया एक्स, और इसको एक तरफ ले जाते हैं तो ये आ गया सेवन, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो सेवन से कम होगी। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू सेवन से कम होगी, और इसको देखते हैं थ्री एक्स प्लस सिक्स, थ्री एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन टू माइनस एक्स, इसको भी लाइक टर्म्स को इस तरफ लाते हैं तो फोर एक्स, और ये आ गया माइनस फोर। तो जो एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन माइनस वन, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है इसको भी अगर मैं नंबर लाइन पर बनाऊं तो जो x की वैल्यू है वो माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए और सेवन से छोटी होनी चाहिए। तो वही सेम डिटो, इसमें यहां पर मैं लिख दिया माइनस वन और मैं यहां पर लिख देता हूं सेवन। तो ये हमारे पास ये भी राउंड रहेगा, ये भी राउंड रहेगा, तो x की वैल्यू देखो माइनस वन से बड़ी है तो इस तरफ आएगी और सेवन से छोटी है तो इस तरफ आएगी। तो कौन सा एरिया बाउंडेड होगा, मतलब कौन सी लाइन, ये शेडेड लाइन होगी ये, तो ये हमारे इसको हम कर देंगे शेड। तो ये हमारा ग्राफ ई ग्राफ बन गया, इसको डार्क कर देंगे बस थोड़ा सा अच्छे से, इसको डार्क करके दिखा देना। तो ये हमारा आंसर, मतलब जो वैल्यू है वो इसी के अंदर लाई करेगी, इसके अंदर कुछ भी ले देते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज ले देते हैं माइनस वन और सेवन के बीच। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। सो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज गुड वन। क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन टू और एक्स माइनस सिक्स, एंड यहां पर आ रहा है सिक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इलेवन माइनस टू एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ गया थ्री एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन, ये आ गया टू एक्स माइनस ट्वेल्व, वही लाइक टर्म्स की तरफ आते हैं तो एक्स, और ये आ गया माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन। यहां पर भी इक्वल टू में ग्रेटर देन दिया, इक्वल टू नहीं दिया हुआ, कोई नहीं टेंथ क्वेश्चन करेंगे उसमें होगा। ये आ गया माइनस फाइव, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखनी हमने, मैं इसलिए और क्वेश्चन करा रहा हूं ये माइनस एक्स प्लस टू एक्स और इलेवन माइनस सिक्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स और ये कितना आ गया फाइव, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है एक्स जो है माइनस फाइव से बड़ा होगा और एक्स फाइव से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो इसको ध्यान से देखते हैं इसको। देखो ये मान लेते हैं अपना है माइनस फाइव और ये अपना है फाइव। अब देखो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव से बड़ी, माइनस फाइव से बड़ी तो राइट साइड जाएगी सारी, और ये फाइव से भी बड़ी, ये एक्स के लिए तो क्या आएगा। देखो अब आप अगर नोटिस करोगे यहां पर तो ये फाइव से बड़ी, यानी कि ये पूरी आ रही होगी ठीक है यहां तक, और ये भी फाइव से बड़ी यानी कि यहां पर आ रही होगी ये भी ठीक है, ये भी इस तरफ जा रही है। तो अब आप नोटिस करो, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, तो अब आप नोटिस करो कौन सा एरिया होगा हमारा, तो यानी कि ये राउंड लेंगे और ये हमारा ये वैल्यू मतलब फाइव से बड़ी, भाई सिंपल सी बात है जब वो माइनस फाइव से बड़ी है एक्चुअली माइनस फाइव से बड़ी है इधर आएगा, बट अगर फाइव से बड़ी होनी चाहिए तो जो माइनस फाइव से बड़ी है और फाइव से बड़ी है वो रेड वाला एरिया होगा, वो रेड वाली लाइन होगी, यानी कि इसमें से कोई भी नंबर रख दो दैट कैन बी लाइन द इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन, तो ये क्वेश्चन में लाइन करेगी। नाउ अगेन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर टेंथ। इन क्वेश्चन नंबर टेंथ वी हैव टू वैल्यूज फाइव देन विद इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस सेवन माइनस थ्री टू एक्स प्लस थ्री लेस देन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द इक्वेशन नंबर वन। पहले मैं वन को सॉल्व करता हूं, तो फाइव टू सा टेन एक्स, फाइव सेवन सा थर्टी फाइव, माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन लेस देन इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया फोर एक्स, ये आ गया हमारे पास फोर्टी फोर लेस देन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इलेवन। आई होप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बच्चों, और दूसरी क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्वेश्चन इसकी दूसरी क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन है टू एक्स प्लस नाइनटीन लेस देन इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस फोर्टी सेवन। तो देखो इसको भी लाइक टर्म्स को एक तरफ लेकर आ रहा हूं मैं,
तो ये आ गया माइनस फोर एक्स, और ये कितना आ गया 17 में से 9 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28। तो अगर मैं माइनस साइन से डिवाइड करूंगा, वही कंसेप्ट दोबारा लगा रहा हूं, माइनस 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, रिवर्स कर देगा ये साइन, माइनस 4, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस 7। अब देखो यहां पर ही आ गया, तो इसको करने के लिए मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूं, मैं आपको इधर समझाता हूं। नाउ सी, अब मैंने एक नंबर लाइन बनाई अपनी, एक नंबर लाइन हमारी बन गई। अब इस नंबर लाइन में साफ साफ बोला जा रहा है एक्स के लिए माइनस 7, और पहले ऐसा करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं माइनस 7 यहां पर है और अपना 11 यहां पर होगा। तो देखो x की वैल्यू 11 से छोटी, अब 11 से छोटी तो अंदर की तरफ ही जाएगी लेफ्ट साइड पर, और x की माइनस 7 से बड़ी, तो सिंपल बात है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा आंसर होगा, ये एरिया मतलब ये जो लाइन है इसको रेड कलर से जो कर रहा हूं, तो ये इसके अंदर कोई भी आप नंबर रख सकते हो, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा ग्राफ उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी नंबर लाइन पर, तो ये हमारी वैल्यू होगी। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप इस नंबर को लिखोगे तो यहां पर ये पूरा डार्क होगा, डार्क क्यों होगा, क्योंकि माइनस 7 ऑल्सो इंक्लूडेड, यहां पर 11 ऑल्सो इंक्लूडेड, तो ये ध्यान रखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल में। ठीक है जी, अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम वो भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना सुनना, अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हैज टू बी केप्ट बिटवीन दिस फारेनहाइट, हमें ना एक फारेनहाइट में सॉल्यूशन दिया गया बिटवीन 68 डिग्री फारेनहाइट एंड 77 डिग्री फारेनहाइट, तो उसको ऐसे लिखते हैं 68 डिग्री बिटवीन क्या है, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा एंड 77 डिग्री, मतलब इसके बीच में लाइक कर रहा है। कहते हैं व्हाट इज द रेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, अब हमें डिग्री सेल्सियस में लाना है, और हमें अगर फॉर्मूला दिया जाए एफ का, हमें एफ का फॉर्मूला गिवन हो 9/5c+32, अगर कहते हैं ये फॉर्मूला है तो हमें हमारा आंसर सेल्सियस में लाओ, तो देखो हमें ये गिवन है दिस इज बिटवीन, तो मैं यहां पर अगर मैं वैल्यू दूं तो ये 68 डिग्री तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, फारेनहाइट का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर 9/5, ये फॉर्मूला ना, ये c+32, ये कन्वर्ट करना होता है, अगर मैं फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करूं या सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करूं, तो ये फॉर्मूला होता है, ये जो ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है जी, अब इसको देखो करने के लिए -32 हटाना पड़ेगा यहां से, तो 68 -32 ये आ गया 9/5c, और ये आ गया 77 -32, तो 68 -32 कितना आ गया 36, यस, और यहां पर भी अगर मैं माइनस करूं तो 45। अब मुझे सिर्फ सी लाना है, तो हमने यहां पर क्या करा 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9 × 9, 9 × 4 = 36, तो 5 × 4 = 20, ये सब कट गया 5 से 5, तो ये बच गया सी 9 × 9, 9 × 5 = 45, तो 25, तो जो हमारा जो डिग्री जो टेम्परेचर है जो हमारा तो हम लिखेंगे देयरफोर व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिग्री, तो पूछ रहा था, तो यहां पर लिखेंगे रेंज ऑफ, क्या लिखा है रेंज ऑफ, किसका पूछा है रेंज इन, ऐसे लिखते रेंज इन टेम्परेचर, रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस इज दिस, तो ये क्या सेल्सियस है 20 °C और ये 25 °C, तो ये हमारे इसकी रेंज आ गई, तो रेंज हमारी क्लियर हुई आपको, ये इसमें हमने करा रेंज, तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है 12th, तो इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th, तो इसमें साथ साथ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12th को पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो दो तीन बार में तसली से पढ़ना क्वेश्चन, तभी ये समझ आएगा।
कहते हैं एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, उसको हम डाइल्यूट करेंगे बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इट। कहते हैं जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो 4% से ज्यादा होगा बट लेस देन 6% बोरिक एसिड होगा। तो इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमारे पास 8% ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 640 लीटर का 8% सॉल्यूशन है, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन हैव बीन एडेड। तो देखो इसको बड़े ध्यान से करते हैं, क्वेश्चन को जरूर पढ़ा साथ रखें। लेट हम लिखते हैं लेट एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड दे रहा है यस, सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। जो हमने ऐड करा है हमने मान ली ये, तो जो हमारा टोटल मिक्सचर है वो कितना आ गया, टोटल मिक्सचर जो हमारा टोटल मिक्सचर बन गया है, एक्स ऐड करेंगे ऑलरेडी 640 दिया हुआ था, ये हमारा टोटल मिक्सचर आ गया हमारे पास। ठीक है जी बच्चों, अब रिजल्टिंग, अब देखो यहां पर समझना, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है हमारा जो निकलेगा, रिजल्टिंग मिक्सचर जो कैसे बनेगा, इज टू बी मोर देन, किससे ज्यादा है, मोर देन 4% यस, मोर देन 4% बट लेस देन कितना दिया हुआ बुक में, 6%, लेस देन 6% बोरिक एसिड। ये सारी स्टेटमेंट आपको बुक में दी हुई है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट हमें मिल गई। तो देयरफोर तो क्या आ गया हमारे पास, 2% ऑफ एक्स, ठीक है, बोरिक एसिड प्लस 8% ऑफ 640 दिया हुआ है, 640 ये ग्रेटर देन है 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्स, टोटल मिक्सचर। एक तो ये हमारी क्वेश्चन बन गई, और दूसरी क्वेश्चन सेम, 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640, ये तो लेस देन है ना, लेस देन 6% ऑफ किसका, रिजल्ट का, 6x प्लस 40। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2/100 एक्स, 8/100 640, ये आ गया 4/100 एक्स प्लस 640। तो देखो इसको बड़े ध्यान से, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो इसको क्या करेंगे, 100 सब में कॉमन आ गया, तो मेरे पास ये रह गया 2x प्लस 8 × 640 ग्रेटर देन 4x प्लस 640। मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूं, 2 से भी डिवाइड कर देता हूं, क्या बन गया x 4 × 640 और ये आ गया कितना, 2 से करें ना, 2x प्लस 640। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं x प्लस ये कितना आएगा, ये मैं यहां पर कर देता हूं अभी कैलकुलेशन, 640 को 4 से करेंगे है ना, 0 × 4 = 16, 6 × 24 = 25, तो ये आ गया हमारे पास 2560, 0 × 2 = 4, 6 × 12। तो जब इसको हम करेंगे x − 2x = 1280 − 2560, तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स और ये आ गया 2560, 2560 में माइनस करूंगा मैं 1280, तो कितना आ गया, 60 में से हट गया 8, यहां बच गया क्या 4 × 4 = 2, 1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस में 1280। मैंने आपको बताया था ये माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन विल बी चेंज, यानी कि एक हमारा आंसर आ गया 1280, एक हमारी ये वैल्यू हमें मिल गई, वैल्यू कितनी आई है 1280, यानी कि उससे कम। अब मैं इसको जरा इरेज कर दूं, अब हम दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, ये हमारा यहां तक जो है ये दूसरा वाला, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 2/100 x 8/100 640 < 6/100 x + 640, सब में 100 तो कॉमन आएगा, खत्म हो गया, फिर 2 भी कॉमन लेते हैं वैसे ही जैसे पहले किया था, तो 4 × 640 जाएगा 3 x + 640, तो ये आ गया x प्लस, इसको भी हमने करा ही था 2560, ये आ गया 3x, इसको 3 से कर देते हैं,
640 को 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 6 जा 18, 19, तो 1920, जब इसको हमने करा तो ये आ गया 1920, तो ये भी हम लाते हैं इधर, माइनस सी एक्स 1920 माइनस 2560, यहां पर आ गया ये माइनस 2x और 2560, 2560 को माइनस करेंगे 1920 से, तो 6 हो गया 4, 15 में से 9 गया कितना आएगा 6, ठीक है ना, 15 में से 9 गया 6 आएगा, कितना आएगा ये 6, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 640। यहां पे भी वही कंसेप्ट, जब माइनस से करोगे ये आ जाएगा डिवाइड 2 से हो जाएगा, तो 320, यानी कि जो x की वैल्यू है 320 से बड़ी आ गई, कोई दिक्कत किसी को? वहां पर जो था 4% से मोर देन 4% था, तो ये 4% से ज्यादा लिया, और लेस देन 6% यानी 6%, तो यानी कि जो हमारे जो अब उसको लास्ट में स्टेटमेंट जो लिखेंगे, जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये आ गई, देयरफॉर क्या हो गया, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ जो भी मांगा गया सारा वो लिखना, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन that is added will have to be कितना हो गया, to be more than किसका है 320 liters, x की 320 liter more than but less than 1280 liters। तो बहुत important question है, कंसेप्चुअल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो अच्छे से इसको जरूर देखना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट भी रिवाइज भी करना है अच्छे से। नाउ इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1-5 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड में हमने ऐड करना है पानी को, तो सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% और लेस देन, सेम ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं, वो लिखेंगे लेट एक्स लीटर, जो हमने ऐड करना है उसको लिखते हैं लेट एक्स लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड वही सेम डिटो, तो इसका भी टोटल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मिक्सचर में दिया हुआ कितना हो गया एक्स प्लस, इसमें मिक्सचर कितना 1125 लीटर, इसमें कैलकुलेशन आई थिंक भी ज्यादा लग रही है मुझे, ये हमारे पास मिक्सचर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में साथ साथ दिया हुआ रिजल्टिंग मिक्सचर जो है ना, बोला है उसने क्वेश्चन में विल कंटेन मोर देन कितना, ये मोर देन कितना है 25%, बट लेस देन कितना है 30% एसिड कंटेंट। बुक में देख के लिख रहा हूं, सब कुछ बुक में दिया हुआ है, बुक में क्वेश्चन में ये सभी। तो अब हमारे पास देयरफॉर क्या टर्म्स बन गई, 30%, अब देखो 30% ऑफ 30% ऑफ कितना ये लेस देन 30% है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसका 30% लेते हैं मिक्सचर का टोटल का, एक्स प्लस 1125 ये हमारे पास लेस देन बोल रहा है ना ये, तो ये क्या आएगा 30% ऑफ इसका रिजल्टिंग 45%, ऐसा करो इसको, ये इससे थोड़ा इजी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं इसको ज्यादा इजी देगा, जो क्वेश्चन में दिया वैसे कर लो इसको। हम करते हैं यहां पर कह रहा है कि 45% ऑफ 1125, ये जो हमारा है 1125 परसेंट इज लेस देन 30%, ये जो हमारा लेस देन किसका है 30%, लेस देन इक्वल टू नहीं है लेस देन, इसका लेस देन कैसे आएगा, लेस देन 30% ऑफ टोटल मिक्सचर 1125, ये बन गया। और दूसरा वही
45% ऑफ 1125 ये ग्रेटर है क्या ना, मोर देन, दैट इज मोर देन 25%, 25% ऑफ एक्स प्लस 1125। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करते हैं। देखो 45/100 इंटू 1125 लेस देन 30% बाय 100 एक्स प्लस 1125। तो 100 से तो 100 कट गया, ये 100 100 कट गया। इसको 5 से काट दे, 5 9 जा 5 6 जा, फिर 3 2 जा 3 3 जा, तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन 2x प्लस आ गया 2250। मल्टीप्लाई कर दी मैंने, अब 1125 को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 3375, 3375 लेस देन 2x प्लस 2250। तो हमने क्या करा, 3375 माइनस 2250 लेस देन 2x। जब इसमें हमने माइनस कर दिया 2250 तो क्या आया हमारे पास, 5211। तो हमारे पास आ गया 1125। तो आपको पता है यहां से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, तो यानी कि एक वैल्यू में मिल गई जो x है वो 5625 से ज्यादा होगा। ठीक है, 5625 से वो ज्यादा होगा। तो अब ऐसे में अगर इसको इरेजर से अपना दूसरा ये रब कर देते हम लोग, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको करते हैं रब। अब करते हैं अगला, अब हमने लिया इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, ये भी उसी तरीके से चलेगा, 45% ऑफ 1125 ग्रेटर देन 25/100 और एक्स प्लस 1125। 100 से 100 गया, ये भी 5 से करते हैं, 5 9 जा और 5 5 जा, तो कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 1125 ग्रेटर देन 5x। इसको भी करते हैं, 1125 को 5 से इंटू कर देते हैं, 5 इज 25 5 टू 10 10 टू 12, ठीक है ना, 5 इज 25 2 आ गया, 5 टू 10 12, 5 1 5 6, तो 5625 ये आ गया 5625। इसी तरीके से 1125 को 9 से भी करके देखते हैं, 5 9 45 9 18 18 और 4 22, 9 9 9 2 11, 9 9 और ये 10, तो ये आ गया 10125। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है मुझे, 5x प्लस 5625, इसको माइनस करते हैं 5625। जब मैं ये माइनस करूंगा 0 0 11 में से 6 गया 5 और 9 में से 5 गया 4500, तो जब इसको इधर माइनस करेंगे आ गया 4500 5x, तो x की वैल्यू आ गई 900x। तो यानी कि देखो साफ सी बात हमें पता चल रही है, x जो है वो 900 से कम होगा, और तो आंसर क्या होगा, देयर फोर क्या लिखेंगे इसमें, लास्ट में से जो मांगे है उसको लिख दे, देयर फोर x मस्ट बी, मतलब कितना ऐड करेंगे, मस्ट बी क्या होगा, लेस देन 900 ईटर्स बट मोर देन 562.5 liters, तो इतना उसको ऐड करेंगे इस। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है आईक्यू ऑफ अ पर्सन, आईक्यू जो होता है उसको ना ऐसे मेजर किया जाता है, मेंटल एज होती है और एक होती है क्रॉनिकल एज होती है, ठीक है। क्रॉनिकल एज का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं अगर मैं पूछूं कि जब मेरी आज की एज के अकॉर्डिंगली मैं कितना उसमें कितना टाइम रह गया मेरा, तो हम बताएंगे मतलब कितना टाइम, इन द सेंस कि अगर मान लो कोई बच्चा पैदा होता है 5 मई 2010, तो उनसे पूछा जाए कि वो 6 जनवरी 2020 में कितने साल का हो जाएगा, तो वो जो टाइम पीरियड निकलता है उसको बोला जाता है क्रॉनिकल एज, वो एज जो हम बिगिनिंग टाइम पीरियड और उसका टर्मिनेटिंग एंड पॉइंट रखते हैं जब हम पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो क्रॉनिकल एज का मतलब नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। मेंटल एज, एम ए मेंटल एज है, सी क्रॉनिकल एज, और हमें आई क्यू के लिए बोलता है, बोल रहा है यहाँ पर आई क्यू को हम किसमें लेंगे 140, ये फॉर्मूले में कह रहा है ऐसा दिया है, तो हम आई क्यू की वैल्यू डालते हैं इसमें, मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100 लेस देन इज इक्वल टू 140। तो हमें इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज निकालनी है, क्रॉनिकल एज हमें दी हुई है, क्रॉनिकल एज बताई गई है, क्या दी हुई है क्रॉनिकल एज हमें दी है 12 इयर्स, तो 12 साल दी थी हमें एज। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो वो जीरो जीरो तो काट ही दो, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया और ये जीरो, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, 2 6 12 2 5 10, तो इसको कर दो 6/5 से इंटू, इसको भी कर देते हैं 6/5 से इंटू, और इसको भी कर देते हैं 6/5 से इंटू, तो आ गया 6 8 48 48/5, और ये आ गया 4 6 24 84/5। तो जब हम इसको निकालेंगे तो पॉइंट से बता सकते हैं 5 9 45 9.6, मेंटल एज लेस देन इसको भी निकालते हैं 5 1 30 5 6 30 5 1 5 5 6 30 और 5 8 40, तो ये मेंटल एज के उसकी होती, तो ये मैं फाइंड कर रहा था। तो रेंज ऑफ देयर मेंटल एज इज ग्रेटर देन 9.6 बट लेस देन 16.8 इयर्स। तो ये आज हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर कंप्लीट है, इसके एग्जांपल्स आप लोग यूज करना, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को मैं नहीं समझता किसी बच्चे के मार्क्स इसमें कम आने चाहिए, तो पूरा स्कोर करना। हाँ, जो मैंने आज मिसलेनियस एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन कराए हैं उस पर जरूर फोकस करना। सो गुड लक फॉर द फ्यूचर, और आप आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो इसको, इस वीडियो को जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स का जो इनिशिएटिव है, जो एक हमारे लोगों भी क्या बताता है कि यू आर इन सेफ हैंड्स, तो हम आपको इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि यू आर इन सेफ हैंड, और आपको यहाँ पर वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स की तरफ से आपको कोचिंग दी जा रही है। सो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम हमारे जो है यहाँ पर बच्चे इसका फायदा ले सके। सो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।